जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों को दिखाने जा रहे हैं हैदराबाद का प्रसिद्ध चौमाला पैलेस। तो दोस्तों, यह हैदराबाद का प्रसिद्ध चौमाला पैलेस है, जो कि चार मीनार से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इसका निर्माण सन 1857 और 1895 के बीच हैदराबाद के पाँचवें निज़ाम अफजल उद्दौला और आसफ जहाँ के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो दोस्तों, यह इस महल के अंदर की का सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जाने के बाद आपको बड़ी ही प्रसन्नता होगी, बड़ी ही अचरज की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस गेट के अंदर घुसते ही आपको यह बहुत ही ज़बरदस्त महल आपको दिखाई देगा, जो कि शीशे से सुसज्जित है। और यहाँ पर आप अंदर इसके पूरे इतिहास को पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बर्तनों को रखा गया है, जो कि पहले के समय जो यूज हुआ करता था। सभी बर्तनें अलग अलग डिज़ाइन की बर्तनें आपको देखने को मिलेंगी। आगे भी आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बर्तनों को ग्लास में रख कर एक अच्छी डिज़ाइन में सजाया गया है। दोस्तों, इस महल को देखने के लिए 50 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं। और ऊपर से आपको यह महल जो नीचे का दृश्य है, जो कि कांच के ग्लासों से बना हुआ यह दृश्य, ऊपर से आपको बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू आ रहा है, देखने में बहुत यह सुशोभित होता है। तो यह शाही राजमहल हुआ करता था। यह पूरे महल का सबसे खूबसूरत भाग है। इसके बाद दोस्तों, आप आगे जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के यंत्र देखने को मिलेंगी, पुराने समय की तलवारें देखने को मिलेंगी, जो लोग युद्ध में यूज़ किया करते थे। वह विभिन्न प्रकार की अनेकों डिजाइनों में बनी यह संपूर्ण तलवारें आपको पूरे दीवार भर आपको मिलेंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनेकों अलग अलग मॉडल की सभी तलवारें यहाँ पर रखी गई। और यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदूकें रखी गई हैं, विभिन्न मॉडल की बंदूकें, जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करती है। और यहाँ पर आप एक छोटा सा तोप देख सकते हैं, तोप का जो मॉडल बनाया गया है बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर एक छोटा सा तोप आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढाल और तलवार सभी दीवारों पर एकत्र किए गए हैं, सभी को एक सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। आपको तीर भी यहाँ पर दिखाई देगा, अनेकों प्रकार की तीरें हैं जो कि युद्ध में उपयोग में लाई जाती थी। और बाकी इसे चौमाला पैलेस इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इसके चारों ओर पैलेस जो है, चार पैलेस बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम चौमाला पैलेस रखा गया है। यह बहुत ज़्यादा दूर में फैला हुआ है। और आप पुराने समय की यह बड़ी बड़ी अलमारी को देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यह बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनाई गई हैं और इसे रखा गया है। और यहाँ भी आपको तलवारें तीर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, तीन कमरे ऐसे हैं जिसमें केवल तलवार, तीर, ढाल, पुराने समय में युद्ध में जितनी भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी, यहाँ पर रूप में हजारों संख्या में लोग सजा कर प्रतिदिन आते हैं और यहाँ की यह पुरानी रखी हुई चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर भी ढाल, तलवार, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीर रखा गया है, यह सभी तीर हैं और धनुष भी है। इसके बाद दोस्तों, आप आगे जाएंगे, यह पेड़ बड़ा ही सुशोभित हो रहा है, यह शंकु की आकृति का बना हुआ है, बड़ा ही अति सुंदर है। इसके बाद दोस्तों, हम आगे और जा रहे हैं अगली मंजिला पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महल बनाया गया है, उसकी नक्काशी, उसकी डिजाइन देखने के बाद मन को मुग्ध कर लेती है। बहुत ही सुंदर तरीके से, सुनहले कलर से डिजाइन को बनाया गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त डिजाइन बनाया गया है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छे कीमती सोफ़ा सेट आप देख सकते हैं, इस महल के अंदर इस सोफ़ा सेट को सजाया गया है, रखा गया है, यहाँ पर महाराजा लोग बैठते थे। और यह महल
अपने आप में अति सुंदर है और हैदराबाद की यह शान कहा जाता है। इसे देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, आगे आपको पुराने समय में यूज़ की जाने वाली गाड़ियां दिखाने जा रहे हैं। तो यह देखिए, पुराने समय में उस समय की अद्भुत कलाकृति वाली यह गाड़ियां आप देख सकते हैं, बहुत ही अजीब तरीके की बनी हुई। अब की और पहले की गाड़ियों की तुलना में बहुत ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ रखी गई हैं जिसको आप देख सकते हैं। और आगे आप जाएंगे तो दोस्तों, पहले जो इक्के की तरह चलता था, बग्घी की तरह चलता था, वह भी दोस्तों अभी आगे आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले आप ये इन सभी ज़बरदस्त गाड़ियों को देख सकते हैं। आगे कुछ बाइक का भी पोर्शन रखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले शीशा लगा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा कैमरे में वीडियो क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे, आपको पहले की जो बग्घी हुआ करती थी उस बग्घी को दिखाएंगे। तो वह बग्घी आगे दोस्तों यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पर इन बग्घियों को रखा गया है। तो यह देखिए, पुराने समय में इस टाइप की बग्घियाँ हुआ करती थी। तो इसे देखने के बाद बड़ा ही अच्छा महसूस होगा आपको। तो अगर आप हैदराबाद में हों या अन्य कहीं जगह हों, तो अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ हो तो आप हैदराबाद अगर आइएगा तो चौमाला पैलेस ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है यह। इसके बाद दोस्तों, आपको बेस कीमती जो सोफ़ा सेट हुआ करता था, जिसपे लोग बैठते थे, खाने का टेबल, बैठने का जो सोफ़ा है आदि, सभी अलग अलग डिज़ाइनों का सोफ़ा सेट यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि अलग अलग डिज़ाइन, यह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सुराही की तरह बनाया गया है। तो पुराने समय में जितने भी उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उनका संग्रह यहां पर मिलेगा। हालांकि यह एक पैलेस है, लेकिन आपको एक म्यूजियम की तरह दिखेगा कि पुरानी वस्तुओं को भी यहां पर सजोकर रखा गया है। तो दोस्तों, अगर यह सब जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसके पहले कभी चौमाला पैलेस गए हों तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।